सभी दोस्तों को जय हिंद। क्या है बीएसएफ जेई का सिलेबस, क्या होता है बीएसएफ जेई, बीएसएफ जेई में आकर कौन से काम करने होते हैं, क्या इसमें 2 स्टार मिलता है, तो दोस्तों सारे जानकारी और सारे बातों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि मैं अभी बीएसएफ जेई में सिलेक्टेड हूँ और मैं जो आपको बताऊंगा बिल्कुल सटीक जानकारी बताऊंगा कि आप लोग भी इसमें आ सकते हैं, बस आप इन छोटे छोटे बातों का बस केवल ध्यान रखिए। तो दोस्तों सबसे पहले बीएसएफ जेई का जो नोटिफिकेशन आया है, आप लोग बीएसएफ जेई का फॉर्म भर दीजिए। और पहले तो मैं आप लोग को इस नोटिफिकेशन के बारे में ही अच्छे से जानकारी दे देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में कैसे फॉर्म भरने से लेकर के क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कब कैसे ट्रेड टेस्ट होता है, क्या ट्रेड टेस्ट में आता है, क्या बिल्कुल सिलेबस क्या है इसका, सटीक सिलेबस दोस्तों सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा कि रनिंग के लिए कितने मिनट में रनिंग करनी होगी, लॉन्ग जंप हाई जंप कैसे होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, क्या अप्लाई कर सकते हैं जो कि 2 साल के डिप्लोमाधारी हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो है कि नोटिफिकेशन खोल लिया बीएसएफ का 2024 का। ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। दोस्तों क्या है कि यह जो है कि देखो दोस्तों, नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल ये है। ठीक है, और ये क्या दोस्तों, बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप का है। ठीक है, ये दोस्तों ग्रुप बी का वैकेंसी है, ये आपको ग्रुप बी का पोस्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि नेम ऑफ पोस्ट दोस्तों, देखिए ठीक है, सब इंस्पेक्टर जो नेम ऑफ पोस्ट है दोस्तों, वो कौन कौन से पोस्ट के लिए है इसमें वैकेंसी, सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो एक हो गया SIJEE वर्क्स जो सिविल के लिए होगा, और दोस्तों क्या है SIJEE इलेक्ट्रिकल के लिए हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं कि इसमें वैकेंसी कितनी है। तो वर्क्स के लिए दोस्तों वैकेंसी है 13 और इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है 9। ठीक है, तो दोस्तों जो वर्क्स के लिए है वो अनरिजर्व के लिए 7 है, EWS के लिए कोई सीट नहीं है, OBC के लिए 2, SC के लिए 3 और ST के लिए 1। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल के लिए अनरिजर्व में 5, EWS में 1, OBC में 2 और ST में 1, टोटल 9 सीट हो गए। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन के लिए एक एक वैकेंसी है। पे स्केल, इसका पे स्केल दोस्तों होने वाला है बेसिक पे 35,400 से 112,400। ठीक है, जब आप इस जॉब में आएंगे तो आपको बेसिक पे जो मिलेगा वो होगा 35,400। ये दोस्तों लेवल 6 का है और ये 7 CPC का है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि आई है 13 और 9, ये वैकेंसी बढ़ या घट सकती है, वैसे मोस्टली चांस होता है बढ़ने का। आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी चाहिए बढ़ने घटने का क्या है, तो आप इसके इस वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट है, इस पर आप चेक कर सकते हैं। नेशनलिटी दोस्तों, उस फॉर्म को भरने के लिए इंडिया होना चाहिए। डिसक्वालिफिकेशन क्या है, हु हैज़ इंटर्ड इन टू और कॉन्ट्रेक्टेड ए मैरिज विद ए पर्सन हैविंग ए स्पाउस लिविंग और, इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करते हैं जो जिसका पति या पत्नी जीवित है। ठीक है, आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करते हैं जिसका पति या पत्नी जीवित है, तो दोस्तों आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फाइड करने के लिए कोई एक जो है कि डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब दोस्तों एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, तो दोस्तों देखिए एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है वो आपको एज लिमिट क्या है जो SI वर्क्स के लिए होगा और इलेक्ट्रिकल के लिए, तो आपको 30 साल होना चाहिए, यानी 18 साल से 30 साल तक उम्र होना चाहिए। कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा जो कि OBC को 3 साल और SC ST को 5 साल। ठीक है, यहाँ देखिए OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल। आगे देखते हैं, अब दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो सब इंस्पेक्टर वर्क्स के लिए आपको पास 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। मुझसे आप लोग कमेंट में पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि मेरे पास 12th के बाद 2 साल वाला डिप्लोमा है अर्थात लेटरल एंट्री वाला है, क्या मैं एलिजिबल हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है 3 ईयर डिप्लोमा, आपके पास 3 साल का ही डिप्लोमा चाहिए, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर आउट कर दिया जाएगा। मेरे वाले बैच में ऐसा हुआ था, कुछ लोग को आउट कर दिया गया था। ठीक है, बाकी आपको फॉर्म भरना है तो आप फॉर्म भरिए, आप वहाँ तक पहुँचिए, अनुभव लीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है कि जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल, यहाँ भी वही बात है, पास 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब दोस्तों बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, PST की। ठीक है, तो PST के लिए दोस्तों क्या चाहिए, आपको हाइट चाहिए मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट दोस्तों मेल के लिए 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए यानी अनएक्सपेंडेड, और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर,
एक्सपेंडेड, ठीक है, फुलाने के बाद। तो दोस्तों यानी 5 सेंटीमीटर का चेस्ट फूलना चाहिए, फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या है कि 2 सेंटीमीटर का कैंडिडेट को रिलैक्सेबल मिलेगा, किस कैंडिडेट को, जिनका उम्र 20 साल से कम है। अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि स्टैंडर्ड क्या चाहिए आई साइड के लिए, आँख के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपको 6x6 या 6x9 चल जाएगा। विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट परमिटेड इवन बाय द ग्लासेस। यदि आप चश्मा का प्रयोग करते हैं तो आपको वहाँ पे नहीं लिया जाएगा, ठीक है, आपको आउट कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए आपको मेडिकल में क्या क्या कुछ है जो कि आपको देखिए नॉकनीज नहीं होना चाहिए, यानी जो गुड्डो पैर के जो घुटने घुटने सड़ जाते हैं वो नॉकनीज नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इस चीज़ को आप पढ़िएगा। कलर विजन भी दोस्तों अपना चेक करा लीजिएगा, कलर विजन भी नहीं होना चाहिए। टैटू दोस्तों बात करते हैं तो शरीर पर टैटू नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई बॉक्स एंड जेई एसआई इलेक्ट्रिकल विल बी एज अंडर फर्स्ट फेज रिटेन एग्जामिनेशन। दोस्तों फर्स्ट फेज में क्या होगा कि आपको यहाँ पर 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें से इसमें आपका ओ एम आर बेस्ड पेपर होता है और एक बुकलेट मिलता है जिसमें कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, और वो 100 क्वेश्चन दोस्तों 3 पार्ट में बटे होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में दोस्तों रीजनिंग आएगा जिसको जो कि 25 क्वेश्चन आएगा और 25 नंबर का ही होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का। और दोस्तों इसके बाद जी जनरल अवेयरनेस आएगा जो कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल साइंस जो भी होता है, इसमें 25 क्वेश्चन आपका आएगा, ये भी 25 नंबर का ये भी होगा। और जनरल इंजीनियरिंग जो होगा वो आपका टेक्निकल क्वेश्चन होगा जो कि 50 क्वेश्चन का होगा और ये भी 50 नंबर का ही होगा। तो एसआई बॉक्स एंड जेई एसआई इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड एंड सिलेबस फॉर पेपर वन, पेपर वन के लिए जो पेपर फर्स्ट है ये 100 नंबर का, इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, रीजनिंग का सिलेबस क्या है, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या है, और यहाँ पे ये 50 क्वेश्चन जो टेक्निकल का आएगा वो टेक्निकल के लिए क्या सिलेबस है। तो ये दोस्तों हो गया एसआई बॉक्स के लिए, और यहाँ पे दोस्तों ये हो गया ये इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल के लिए हो गया। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि आप जब आप पहला पेपर जब आप दे लेते हैं दोस्तों, तो उसके बाद 2 घंटे का गैप मिलता है, और 2 घंटे गैप के बाद दोबारा से आपको एग्जाम हॉल में बैठाया जाएगा और वहां पे आपका पेपर 2 होगा, ठीक है दोस्तों। तो पेपर 2 में दोस्तों क्या होगा कि ये क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आता है, देखिए 12 क्वेश्चन विल बी गिवेन आउट ऑफ विच 10 क्वेश्चन विल बी अटेम्प्ट। अगर आपको पेपर में 12 क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको करने कितने हैं, 10 क्वेश्चन ही करने हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, यानी 10 10 में 100, यानी कि ये भी टोटल आपका 100 नंबर का हो गया। यहाँ इसके लिए दोस्तों ये जेई एस आई इलेक्ट्रिकल के लिए भी वही क्राइटेरिया है कि 12 क्वेश्चन विल बी गिवेन आउट ऑफ विच 10 क्वेश्चन विल बी अटेम्प्ट। आपको 12 क्वेश्चन दिया जाएगा और 10 क्वेश्चन उसमें से करना है। दोस्तों यहाँ पे है सिलेबस फॉर पेपर 2। तो सिलेबस क्या है दोस्तों, सब इंस्पेक्टर वर्क्स के लिए ये क्या है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन है, सर्विंग है, सॉइल मैकेनिक्स है, इसके बाद दोस्तों क्या है हाइड्रोलिक्स है, ठीक है, हाइड्रोलिक्स है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रिकल के लिए क्या सिलेबस है दोस्तों पेपर 2 के लिए, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा, सर्किट आएगा, मैग्नेटिक सर्किट आएगा, एसी फंडामेंटल्स आएगा, और मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या है, फ्रैक्शनल किलो मोटर, फ्रैक्शनल किलो वाट्स मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो गया, सिंक्रोनस मशीन हो गया, जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारा जो डिटेल सिलेबस दिया गया है आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटेन एग्जामिनेशन, जो आपको दोस्तों रिटेन एग्जाम होगा वो ओबीसी के लिए 50% से कम नहीं होना चाहिए नंबर, और एससी एसटी के लिए 45% से कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये आप तैयारी कैसे करेंगे, क्या सही नियम है इस चीज़ को कवर करने का पूरे सिलेबस को, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट जरूर करिएगा। जो दोस्तों देखिए जो नंबर आप कैंडिडेट्स होंगे जो क्वालिफाई होंगे एग्जामिनेशन में, ये रिटेन एग्जामिनेशन में, वो 6 टाइम होंगे, किसके वैकेंसीज के, जितने भी नंबर वैकेंसीज है उसके 6 गुना आपको लिया जाएगा फिजिकल के लिए, ठीक है। कैंडिडेट आर नॉट परमिटेड मोबाइल फोन कैलकुलेटर, दोस्तों कोई भी आपको एग्जाम हॉल में मोबाइल फोन या कैलकुलेटर या स्मार्ट वॉच जैसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु नहीं लेके जानी है।
सेकेंड फेज एग्जामिनेशन दोस्तों कैसे होगा, सेकेंड फेज एग्जामिनेशन जो होगा, एग्जामिनेशन के लिए आपको आपके ई कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड या कोई भी ईमेल वगैरह पे आपको बता दिया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन दोस्तों सेकेंड फेज एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा जब दोबारा आपके एडमिट कार्ड जारी होगा उसके लिए। तो सबसे पहले आपको देखिए आपको 6 बजे करीब बुला लिया जाएगा, करीब 6 साढ़े 6 बजे आपको मॉर्निंग में ही बुला लिया जाएगा। और उसमें दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, चेयर लगी होंगी, आप वहाँ बैठेंगे और सबसे पहले दोस्तों आपको क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप ले गए होंगे, जैसे कि आपको दोस्तों क्या हो जाएगा, 10th का मार्कशीट हो जाएगा, अगर आप 12th किए हैं तो 12th का मार्कशीट, प्लस आपके पास डिप्लोमा इसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, और यदि आप बीटेक किए हैं तो बीटेक भी होना चाहिए आपके पास, उसका मार्कशीट, और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए अपने पास, आप पैन कार्ड भी लेके जाइएगा, और निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ओबीसी का सर्ट, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और कोशिश करिए दोस्तों कि आप नया बनवा लें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में कम से कम दोस्तों 3 से 3 से 3.5 घंटे तो लग ही जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये इतना काम होने के बाद फिर आपका दोस्तों क्या होगा कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब कि आपके शारीरिक शारीरिक का मापदंड लिया जाएगा, जैसे कि आपकी जो हाइट है उस हाइट को लिया जाएगा, तो मेल कैंडिडेट के लिए 165 है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 है। उसके बाद दोस्तों चेस्ट मेजर मेजरमेंट किया जाएगा जो कि 76 से कितना था, 81 था, यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, ठीक है, और फीमेल के लिए नॉट अप्लीकेबल था, ठीक है। तो दोस्तों ये होने के बाद फिर आपका वेट भी होगा, वजन होगा, अगर वजन आपका ज़्यादा है तो उस समय तो आउट नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आप उसको कम कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा मेहनत वेहनत करिए और कम कर लीजिए। दोस्तों इतना काम होने के बाद फिर आपको ये चीज़ होने में, देखिए आपको 6 बजे करीब तो बुलाया गया था, उसके बाद ये सब चीज़ें होने में करीब करीब 12 से 1 बज जाएगा, और 12 से जैसे 1 बजेगा फिर दोस्तों क्या होगा कि आपको रनिंग के लिए ट्रैक पर ले जाया जाएगा। रनिंग होगा दोस्तों 1600 मीटर का, जो कि टाइम दिया जाएगा आपको 7 मिनट, 7 मिनट में आपको 1600 मीटर करने हैं। फीमेल के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग होगी और टाइम होगा 5 मिनट। इसके बाद दोस्तों मेल के लिए लॉन्ग जंप है 11 फीट का, और इसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे, अगर 3 चांस में किसी भी एक चांस में आप कर जाते हैं, पहले चांस में कर जाते हैं तो आप क्वालिफाई हो गए, यदि आपको आप 3 चांस में तीनों में नहीं कर पाते हैं तो आप वहीं पर डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है, आपको वहीं पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए फीमेल के लिए दोस्तों क्या है, 3 चांस दिए जाएंगे, लेकिन इनका जो लॉन्ग जंप होगा वो होगा 8 फीट का। इसका दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए हाई जंप जो होगा वो होगा 3.5 फीट का, यहाँ भी 3 चांस दिए जाएंगे, और फीमेल के लिए दोस्तों 2.5 फीट का होगा हाई जंप, यहाँ भी इनको भी 3 चांस दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है, नोट वन है, एक्स सर्विसमैन आर नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरगो पेड। यदि आप कोई पूर्व भूतपूर्व सैनिक हैं या कुछ ऐसे पहले आप सेवा कर चुके हैं तो उनके लिए दोस्तों क्या है कि ये जो आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है ये रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यदि आप सेकेंड फेज का भी हाई जंप लॉन्ग जंप रनिंग अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो आप जो है कि आपको फिर घर भेज दिया जाएगा, और उसके बाद 1 या 1.5 महीने में फिर से एक तीसरे फेज की एडमिट कार्ड जारी होगी, जो कि आपका होगा थर्ड फेज एग्जामिनेशन, और इसमें आपका प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो दोस्तों जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं सेकेंड फेज एग्जामिनेशन में उनके लिए दोस्तों ये आएगा थर्ड फेज एग्जामिनेशन, और थर्ड फेज एग्जामिनेशन दोस्तों क्या होगा, एक तो आपका होगा ट्रेड टेस्ट, ठीक है, ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट दोस्तों क्या होता है कि ट्रेड टेस्ट में दोस्तों कि दो सर लोग बैठे होते हैं, एक सर तो आपका इंटरव्यू लेंगे वाइवा टाइप का, जो आपके बारे में पूछेंगे और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे वो, ठीक है, आपके माइंड को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए। उसके बाद दोस्तों यदि आपका सक्सेसफुल यदि वो आपका इंटरव्यू हो जाता है तो फिर आपको दोस्तों ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा या प्रैक्टिकल टेस्ट। उससे इसमें दोस्तों क्या होता है कि टेबल पर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट रखी होती हैं, जैसे कि आपका एनर्जी मीटर रखा होगा, वोल्ट मीटर रखा होगा, एमीटर रखा होगा, ओम मीटर रखा होगा, मेगा मीटर रखा होगा, ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे फ्रीक्वेंसी मीटर होगा, ठीक है, अर्थ टेस्टर होगा, और भी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, और कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल बोर्ड होते हैं जिसमें वायरिंग किया रहता होता है, स्विच बोर्ड वाले, और वो पूछेंगे कि इसका कनेक्शन करके बताओ या कनेक्शन हुआ है, सही कनेक्शन है कि नहीं है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो दोस्तों ये आपको ना आप किसी भी चैनल यूट्यूब चैनल पर ITI की पाठशाला कुछ भी ऐसा चैनल होगा वो ऐसा पढ़ लीजिएगा, उस पर आपको नॉलेज मिल जाएगा। अब दोस्तों आप लोग बहुत सारे पूछते हैं कि क्या प्रैक्टिकल में भी आउट करते हैं, फेल करते हैं, तो जी हाँ दोस्तों बहुत फेल करते हैं, बहुत ज़्यादा फेल करते हैं, इसलिए आपको इसमें पास होना जरूरी है, भले ही इसका नंबर ना जुड़ता हो, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन इसको पास करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही आप यदि इस ये ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट को भी यदि आप पार कर लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपका होगा मेडिकल, ठीक है दोस्तों, आपको क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा।
आपको दोस्तों क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और मेडिकल में दोस्तों पूरे शरीर की आपको मापदंड लिया जाएगा, जो भी मेडिकल है, जैसे नाकनी हो गया, ठीक है, बैंड वगैरह, पुशअप वगैरह लगवाएंगे आपसे, और भी बहुत सारी हड्डियाँ वगैरह चेक करते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें होने के बाद फिर आपको दोस्तों घर भेज दिया जाएगा, और आपका फिर आपको इंतजार करना होगा फाइनल मेरिट का। अगर आप दोस्तों मेरिट में आते हैं तो आप बधाई हो, आपका चयन हो जाएगा। और दोस्तों फिर उसके बाद की वीडियो पे आपको बताऊंगा। यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है बिल्कुल डिटेल में बताऊं आपको, तो दोस्तों आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक छोटे सी वीडियो के माध्यम से पूरा ये BSF का नोटिफिकेशन JEE के लिए समझाने का मैंने प्रयास किया है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए जो इस वीडियो को देखने के लिए इच्छुक हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।